एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? गुड मॉर्निंग। आज दिन है संडे का और हम अभी अभी उठे हैं। अभी टाइम हो रहा है 8:30 और दिन बानी भी स्कूल जाती है, ये भी ड्यूटी जाते हैं, तो फिर फटाफट उठना पड़ता है, फटाफट काम वाम करना पड़ता है। संडे के दिन थोड़ा आराम से उठते हैं, आराम से करते हैं काम भी। और बाकी सभी भी उठ चुके हैं, वो देख सकते हैं आप दिविशा, ये देख सकते हो आप दिविशा भी उठ चुकी है और बानी तो बाहर खेल रही है। चलिए फिर, अब जाती हूँ किचन में और बनाती हूँ ब्रेकफास्ट। मैं आ गई हूँ किचन में और अब बनाती हूँ ब्रेकफास्ट। और आप देख सकते हैं, ये देखो बर्तनों का ढेर, ये मैंने अभी अभी किया है, ये कल रात के बर्तन थे, कल रात नहीं कर पाई थी, काफ़ी थक गई थी तो खाना खा के सो गए थे, तो फिर अभी मैंने बर्तन धोए हैं। और इधर मैंने आलू उबाल दिए हैं, मैं बना रही हूँ आलू के परांठे, आलू उबाल दिए हैं और आटा भी लगा दिया है। तो आलू को मैंने अच्छे से छील लिया है और अब मैं ये ग्रेटर का यूज करके उसको अच्छे से ग्रेट कर लूंगी। उससे क्या होता है ना, अच्छे से मैश हो जाते हैं और फिर पराठा फटने का कोई चांस नहीं रह जाता है। पराठे के लिए मसाला मैंने तैयार कर दिया है। मैंने काटे यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के प्याज और 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 2 हरी मिर्च हो गई, हरा धनिया हो गया और इधर आलू होगी। और बानी के लिए मैंने अलग से निकाल दिया क्योंकि वो प्याज डाला हुआ, अदरक वदरक ये सब वो बिल्कुल भी नहीं खाती है। उसको खाली नमक और अजवाइन डाल दूँगी उसकी उसमें। चलिए फिर मैं फटाफट से बनाती हूँ। तो मैं यूज़ कर रही हूँ इसमें थोड़ा सा काला नमक, ये मैंने थोड़ा अजवाइन ले लिया, इसको मैं अच्छे से हाथों से क्रश करके इसमें डालूंगी। और ये मैंने थोड़ा सा ले लिया है हरा धनिया और मैंने ले लिया ये थोड़ा किचन किंग मसाला। हल्दी मैं नहीं डालती हूँ, हल्दी से थोड़ा कड़वापन आ जाता है ना, थोड़ा मैं डालूंगी इसमें हींग और डालेंगे स्वाद के अनुसार वाइट वाला जो नमक है वो। लाल मिर्च का यूज़ भी हम बिल्कुल भी नहीं करते हैं। मैं इसको अपने हाथों से अच्छे से मिला लूँगी सारी चीज़ें। तो मसाला मैंने तैयार कर लिया है और अगर आपके पास अमचूर पाउडर है तो आप इसमें अमचूर पाउडर का यूज़ भी कर सकते हैं, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और बहुत टेस्टी होते हैं उससे पराठे। तो चलिए फिर, अब मैं फटाफट से बना लेती हूँ। बानी की और बानी के पापा की प्लेट मैंने लगा दिए है, साथ में मैंने बनाया हुआ बूंदी का रायता और बानी को तो कैचअप भी चाहिए साथ में। तो
तो चलिए फिर आप लोग भी कर लीजिए हम लोगों के साथ ब्रेकफास्ट। मेरे लिए तो अभी बन रहा है, अपने लिए बना रही हूँ, इन लोगों को दे देती हूँ फटाफट। पराठे रखे हुए थोड़ा अजीब लगते हैं खाने में, गरम गरम ही सही लगते हैं। ब्रेकफास्ट वगैरह करके नहाना धोना सबका हो गया है और अब ये बच्चे स्कूल जाने वाले हो गए तो एक काम ये भी बढ़ गया है। देखो बानगी आप पर लगा रहे हैं, बानी की बुक्स पे कवर लगा रहे हैं और बानी साथ में बैठी हुई है, परेशान कर रही है ये। नया नया स्कूल है, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है उसे, अपने बैग को लेके, अपने ज्योमेट्री बॉक्स को लेके, ये भी ले जाना वो भी ले जाना है। हजार बार उसने उस बैग की चेन खोल दी है, हजार बार बंद कर दी है। लंच बॉक्स गेम वाला चाहिए, इसके पास ऐसी पानी की बोतल है, कार वाली पानी की बोतल चाहिए, ऐसा बोल रही है। आपके पीछे तो गाइज मैं आपको मिल रही हूँ सुबह से अभी, और अभी टाइम हो रहा है शाम के 5 बजे हुए हैं और हम लोग जा रहे हैं, यहाँ पे एक मंदिर है शिव धाम करके, वहाँ पे जा रहे हैं। ये जो मंदिर है वो सोनीपत में मूर्थल रोड पे है और इसके खुलने के टाइम मैंने उनसे पूछी थी, उन्होंने बोला था 6 बजे से 12 बजे तक सुबह खुलता है और शाम के 5 बजे से रात के 9 बजे तक वो खुलता है मंदिर। तो इतने टाइमिंग पे आप लोग वहाँ पे आ सकते हैं दर्शन के लिए। चलिए फिर चलते हैं और आप लोगों को भी दर्शन कराते हैं मंदिर के। ये अपने हाथ को ना इस एरिया से आगे मत निकालना, ठीक है? हाँ, वरना कोई हाथ ही सटका ले जाएगा। और तुम भी डांसर है, हेलो, ठीक है दीपी सर। तो हम लोग पहुंच चुके हैं मंदिर और आप लोग पढ़ सकते हैं, लिखा हुआ है शिवधाम और बिल्कुल रोड पे ये मंदिर है, हाईवे पे ही है ये बिल्कुल। तो हम लोग पहुंच चुके हैं शिव मंदिर, शिव धाम के नाम से ये मंदिर है सोनीपत में और आप लोग ये देख सकते हैं कितने सुंदर शिवजी भगवान की मूर्ति है और पूरा हिमालय पर्वत दर्शाया गया है और शिव शंकर भोलेनाथ दर्शाए गए हैं। आजकल मच्छरों की वजह से थोड़ा पानी वानी बंद कर दिया गया है, नहीं तो ऐसे साइड से पानी बहता है और बहुत सुंदर मतलब लगता है देखने में। आजकल हमने पूछा था तो उन्होंने बोला था मच्छर हो जाते, तो पानी इन्होंने बंद कर रखा है। आप सब लोग शिवशंकर भोलेनाथ जी के दर्शन कर लीजिए और आशीर्वाद ले लीजिए। और ये देखिए इधर, यहाँ पे मंदिर में बैठने के लिए भी बनाया गया है, यहाँ पे जो लेडीज़ वगैरह हैं वो कीर्तन वीर्तन करती हैं बैठ के। यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं माता रानी की गुफा, यहाँ पे भी मंदिर में एक गुफा है, गुफा के अंदर प्रवेश करते हैं और आपको दिखाते हैं। हम लोग थोड़ा शाम के टाइम पे आए हुए हैं तो इसलिए अंधेरा हो गया है यहाँ पे। और ये देखिए आप, दो पहरेदार खड़े हैं और यहाँ पे है गुफा का प्रवेश द्वार। ये देखिए गुफा के अंदर आवाज़ भी गूंज रही है और बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे बनाया गया है, लाइट्स की पूरी व्यवस्था है और बहुत सुंदर ये नकली पत्थर वत्थर से बहुत बढ़िया बनाया हुआ है। नवरात्रि चल रही हैं तो आप काली माता का आशीर्वाद ले सकते हैं यहाँ पे, देखिए जय माता दी। यहाँ पे ऐसे बना हुआ है, यहाँ से आपको सर झुका के अंदर जाना पड़ेगा। यहाँ पे आप श्री अमरनाथ भोले बाबा की शिवलिंग के दर्शन कर सकते हैं और देखिए दो कबूतर भी दर्शाए गए हैं, ये वही कबूतर हैं जिन्होंने कहानी सुनी थी, ये नंदी बैल भी हैं साथ में।
अब हम ऐसे लेफ्ट मुड़े। ये देखिए आगे यहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति है। जय श्री राम। आप सभी लोग हनुमान जी का आशीर्वाद ले सकते हैं। अब हम लोग यहाँ से आगे जा रहे हैं। यहाँ पे आगे आप लोग देख सकते हैं वैष्णो देवी माता के जो पिंडी दर्शन हैं वो कराए गए हैं। और देखिए माता रानी को कितने अच्छे से श्रृंगार करके सजाया हुआ है नवरात्रि में। यहाँ पे बहुत बड़ी माता रानी की मूर्ति है। और मैं यहाँ से आपको, हम लोग अभी ऊपर हैं गुफा में, और मैं आपको बाहर का व्यू दिखाती हूँ। ये देखिए आप बाहर का व्यू देख सकते हैं कितना बढ़िया है। माता रानी के दर्शन करने के बाद आगे गुफा और है, आगे दिखाते हैं आपको। यहाँ पे हैं श्री भगवत स्वरूप जी महाराज। और आगे यहाँ पे श्री भैरव बाबा के दर्शन कर लीजिए आप। यहाँ से गुफा से बाहर निकलने का है। और ये देखिए आप कितने सुंदर नकली मोर और चिड़ियाएं, नकली पेड़, नकली बंदर, और ये देखिए हिरन, ये सब दर्शाया गया है यहाँ पे। और ये नकली पहाड़। और ये देखिए आप, ये नकली पेड़ है और इसमें लंगूर बैठे हुए हैं, चिड़िया बैठी हुई है, एक कबूतर है शायद, ये है ना माने आपा, कबूतर बैठा हुआ है। और ये देखिए लंगूर, नकली लंगूर बैठे हुए हैं, और ये पैरट। यहाँ से नीचे उतरने का है। यहाँ पे बाहर भी देख सकते हैं आप शिवलिंग है और ऊपर घंटी लगी हुई है। और ये बड़ा सा पीपल का पेड़ है। अब हम आ गए हैं मंदिर के अंदर। और मंदिर के अंदर आते ही आपको सामने गौरा परिवार करके शिव शंकर भोलेनाथ और गौरा माता की अच्छी सी मूर्ति और शिवलिंग नंदी गाय के दर्शन करने को मिलेंगे। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे नारियल, चुनरी, कलश और अनाज के साथ नवरात्रि में जो माता रानी की स्थापना की जाती है वो स्थापना की गई है। तो बोल साची दरबार की जय। और आप लोग अच्छे से दर्शन कर लीजिए, देखिए कितना सुंदर बनाया हुआ है। रानी ये कौन है पता आपको? साईं बाबा हैं ये। हाँ, सबका मालिक एक साईं बाबा, एक अर्जुन जैसे लग रहे हैं मुझे तो। ये कौन है? ये बाबा है, ये बाबा। ये हैं जमुना जी, ये हैं जमुना जी। और ये देखिए राधा कृष्ण जी हैं। और यहाँ पर शिव शंकर भोलेनाथ जी के 12 ज्योतिर्लिंगों को दर्शाया गया है। श्री ममलेश्वर, ओमकारेश्वर, रामेश्वर, भीमा शंकर, महाकालेश्वर, नागेश्वर, सोमनाथ, सौराष्ट्र, मल्लिकार्जुन, केदारनाथ, धनेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, विश्वनाथ, बैजनाथ।
यहाँ पे है राम दरबार, श्री राम, सीता माता और लक्ष्मण जी और हनुमान जी। ये हैं माता गंगा और यहाँ पर हैं बजरंगबली हनुमान। हमारा सौभाग्य है कि हम संध्या काल के टाइम पे, आरती के टाइम पे मंदिर में दर्शन के लिए गए, तो आप सब लोग भी आरती में शामिल हो जाइए। संध्या काल में एक बार आप सभी फिर से माता रानी के दर्शन कर लीजिए और मैं आगे आपको शिव शंकर भोलेनाथ के एक बार फिर से दर्शन करा देती हूँ। देखिए रात में लाइट वाइट जलाने के बाद और भी सुंदर लगता है ये हिमालय पर्वत। शिव शंकर भोलेनाथ जी अपने ध्यान लगा के बैठे हुए हैं। चलिए फिर आज का ये ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ एक भक्तिमय संध्या के साथ। आशा करती हूँ आपको मेरे ब्लॉग पसंद आएंगे और अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। बाय बाय एवरीवन।